थे और हमारे इमीडिएट सीनियर थे, उनसे कहा भाई आप लोगों ने कैसा ध्यान रखना सिखाया है इनको, पहला दिन है आज से, इनको जरा एकेडमी के बारे में समझाइए और इनका ध्यान रखिए, इनकी मुसीबतें दूर करिए। और आप समझ सकते हैं वो मुसीबतें यूं दूर हुई कि उस दिन रात को 9:30 से 12:30 तक हमने पता नहीं कितने चक्कर लगाए, एक साइकिल स्टैंड था 400 मीटर का और उसके हमने करीब 10 तो चक्कर लगाए होंगे। और उस दिन से हमें ये समझ में आया कि चाहे कितनी भी टफ लाइफ हो, लेकिन हमें ये कहना है कि हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है और प्रॉब्लम हमें सुलझाना खुद सीखना होगा। एक और बात हुई एयरफोर्स एकेडमी में, जब भी कोई व्यक्ति एक व्यक्ति गलती करता था पूरे के पूरे कोर्स को सजा मिलती थी। और अब तो आप में से बहुत लोगों को मालूम है कि ये इसलिए होता है कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम इकट्ठा जाते हैं, तो हम अपनी टीम को छोड़कर ना भागे, ये उस तरह की भावना की एक तरह से वो हमें इम्बाइब करते हैं। तो इस तरह से हमने एकेडमी में सीखा कि हम इकट्ठा कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होते हैं। और एकेडमी का जो 52 सप्ताह का साल था उसमें फील्ड क्राफ्ट किया हमने, रातों में जंगलों में चलते रहे 14, 15, 20 किलोमीटर तक और एक दूसरे का साथ देते रहे। वहीं मैंने सीखा कि अगर आप बहुत किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, किसी एक विधा में माहिर हैं, तो आपको अपनी टीम में लीड करना है, लेकिन आप उसी विधा में अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप ट्रेल कर जाइए, जिससे आपकी टीम जो है वो आगे मजबूती से जा सके। तो ये छोटे छोटे सीख थी। और इसके बाद उस एक साल के बाद जब मैं आई, पर एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायुसेना एकेडमी के चौथे दिन में मुझे लगा कि मैं कहां तो मैंने एमफिल बायोकेमिस्ट्री में किया है, कहां तो मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर थी और कहां यहां मुझे रोज दौड़ा रहे हैं, कभी घुटनों पे खड़ा कर देते हैं, कभी हॉन्चिंग कराते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने भारतीय वायुसेना की एकेडमी से ही वन विभाग को एक चिट्ठी लिखी कि मेरी लीन मेंटेन करके रखी जाए, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो 1 या 2 महीने तक उसकी एक पहले के समय में ऐसा होता था या अभी भी होता होगा, तो वो नौकरी दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे, मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने ऐसा लिखा, लेकिन ये अच्छी बात है कि बाद में मैंने अपने आप को उस चैलेंज के लिए तैयार किया और फिर एक साल में सफलता के साथ मैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच की पहली महिला अधिकारियों में से एक बनी। लॉजिस्टिक्स ब्रांच का उड़ान से ये ताल्लुक होता है कि जो जहाज हम खरीदते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हम खरीदते हैं, राशन, रसद और दूसरे तरह के कपड़े सामग्री, ये सब उचित सोर्स से उचित दामों पर उचित समय पर खरीदने का काम लॉजिस्टिक्स ब्रांच का होता है। आज जिस हम राफेल को देख रहे हैं या उसके पहले Su-30, Sukhoi-30 या Mirage-2000, ये सभी की खरीद में लॉजिस्टिक्स अधिकारी मेन अपनी भूमिका निभाते हैं और ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग उस एक साल में दी जाती है। तो वायुसेना अकादमी का मोटिवेशन एक जगह था, अब हम यूनिट में पहुंचे। तो अब आप देखिए यूनिट में किस तरह से एक अधिकारी को और एक वायु सैनिक को ग्रूम किया जाता है कि वो हमेशा उत्साहित रह सके। एक तो हमारी पोस्टिंग 2 से 3 साल की होती है, तो हमें मालूम होता है कि जो भी हम छाप छोड़ेंगे वो ये 2 से 3 साल में ही हमें छोड़नी है। फिर उसके बाद हर 2 माह में एक हमारा जो यूनिट होती है उसके ऊपर कमान हेडक्वार्टर्स होता है, तो वहां से एक इंस्पेक्शन होता है और वो इंस्पेक्शन जो होता है चेकलिस्ट के हिसाब से होता है कि भाई आप लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं तो क्या आपके पास स्पेयर्स सही लेवल तक टॉप अप है, क्या आपके सैनिकों के पास जूते हैं, उनके कपड़े सही हैं, क्या आपके पायलट्स के पास हेलमेट है, चश्मे हैं। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और जनरल इक्विपमेंट, इनका आपका ठीक तरह से स्टॉकिंग है कि नहीं, क्या आप सही समय पर अपनी दूसरी यूनिट्स जो आप पर निर्भर हैं उनको सामान दे पा रहे हैं या नहीं, क्या आपके पास एक ऐसे युद्धकाल का स्टॉक है जिस समय अचानक वॉर हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसकी सारी प्रक्रियाएं, ये चेकलिस्ट होती है। उसके बाद हर 3 महीने में एक वायुसेना मुख्यालय का इंस्पेक्शन होता है, तो हर इंस्पेक्शन की तैयारी में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद यूनिट की टेस्टिंग होती है दूसरे तरह से भी कि वो वहां फ्लाइंग का टास्क कैसा चल रहा है। तो हर समय आप किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास एक लक्ष्य दिख रहा होता है, आपके पास खाली सोचने को टाइम नहीं होता, तो आप बिल्कुल उत्साहित ही रहते हैं।
वायुसेना की एक और खासियत यह है कि आपको ये खाली समय वैसे भी नहीं देती, एक तो जब आप काम पर होते हैं तब भी नहीं, और सोशल एक्टिविटीज में भी हर सैटरडे संडे के जो पहले के एक इवनिंग होती है जिसे हम फ्राइडे इवनिंग समझ लें, तो एक कल्चर होता था, एक बहुत अच्छा परंपरा थी कि किसी भी अधिकारी के घर जितने बैचलर ऑफिसर्स हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो कभी भी 3-4 के ग्रुप में जाके और उनके घर में चले जाते हैं, और जो भी उनके घर में होता है वो मिल बांट कर वहां खाया जाता है, बातचीत की जाती है। तो इस तरह से जो परंपरा है कि आप सोशल रूप से भी सबसे जुड़े रहे। एक और परंपरा है जिससे हम अपने वायु सैनिकों से जुड़े रहते हैं कि उनकी जो पत्नियां होती हैं उनके लिए अफवाह, अफवाह एक है एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उनके घरों में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसे देखा जाता है, अगर कोई वायु सैनिक बाहर गया हुआ है तो उसके परिवार का ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी कि एक ऐसा दिन होता है, आप इसको अच्छे अर्थों में लीजिएगा क्योंकि ये मैं अच्छाई के रूप में बता रही हूँ, रम पंच कहते हैं उसको, और उसमें सारे वायु सैनिक और अधिकारी एक ही जगह पर होते हैं। इसमें आमतौर पर महिलाएं नहीं होती, परिवार नहीं होते, पर महिला अधिकारी होती है। महिला अधिकारी और पुरुष अधिकारी सभी अपनी वर्दी में होते हैं और जो वायु सैनिक होते हैं वो वर्दी में नहीं होते। तो उस दिन जैसा कि वायुसेना में किसी किसी ओकेजन पर सब लोग साथ में एक सोशल ड्रिंकिंग जिसको कहते हैं वो समय होता है, और इसमें वायु सैनिक अपनी वर्दी में इसलिए नहीं होते कि हम उनका नाम वगैरह ना जान सके, और उनके अंदर कोई हमारे को लेकर भड़ास होती है तो वो निकाल सकते हैं। ये एक बड़ी अनोखी चीज है जिसको आप कहीं नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप उस सैनिक को पहचानते नहीं, लेकिन आप अपनी उस बात को नोट कर लेते हैं कि आपने किसी के साथ अगर या तो ज्यादा उदारता दिखाई है या ज्यादा उग्रता दिखाई है, दोनों ही कंडीशन में आपको कहाँ करेक्शन करनी है। तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक उत्साह बढ़ाने वाली ही बात है। इसके अलावा जब किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम सेंड ऑफ करते हैं। आपने सुना होगा कई अच्छी मूवीज में कि एक गाना सुनते हो, वी आर अ जॉली गुड, ही वाज अ जॉली गुड फेलो और शी वाज अ जॉली गुड फेलो, तो ये वही है। और हम जब कोई नए लोग आते हैं तो उनका आगमन की भी पार्टी होती है, और ये पार्टीज को आप पार्टी की तरह मत समझिए, ये परेड होती है। इसमें आपका क्या पहनना है वो निर्धारित होता है, आप किस वक्त आएंगे, आप कितनी देर के बाद आप अपना पहला सॉफ्ट ड्रिंक उठाएंगे, कितनी देर के बाद आपके लिए एक खेल होगा जो व्यक्ति जा रहा है उसके सम्मान में एक गेम होगा, उसको एंटरटेन किया जाएगा, किस वक्त के बाद खाना बिल्कुल लग जाएगा और किस वक्त जॉली गुड फेलो होगा। तो ये सारी चीजें आपको उत्साहित रखती हैं, और इस तरह से वायुसेना अंदर ही अंदर सोशल कनेक्ट के द्वारा भी और ऑफिशियल कनेक्ट के द्वारा भी, और वायुसेना ही नहीं तीनों सेनाओं में इस तरह की परंपरा है, तो हम ये मोटिवेशन बनाए रखते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में भी एक स्पोर्ट्स मीट होती है, एक एनुअल फंक्शन होता है, फिर कभी कोई और प्रोग्राम होता है जिसमें डिबेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सब क्या है, एक रास्ता हटाने की जो बातें हैं ये उत्साहित ही तो करती हैं, तो ये वो बातें हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि वायुसेना का जो सफर था ये बहुत गौरवशाली तो था, लेकिन हर समय यहाँ कोई उत्साह नहीं था, उत्साह काम करते समय था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो प्रयोग की बात थी वो तो सफल बता दिया गया, और हमने 5 साल के बाद हमें एक 6 साल का और एक्सटेंशन दिया गया। भारतीय वायुसेना ने अपने शुरू के विज्ञापन में लिखा था कि हम आपको पेंशनेबल सर्विस देंगे अगर प्रयोग सफल होता है, प्रयोग सफल हो गया, लेकिन वायुसेना पता नहीं क्यों इस निर्णय को लेने से हिचक गई। तो जब हमें उन्होंने पहले 5 साल, फिर 6 साल और फिर 4 साल के बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अब आपको भारतीय वायुसेना छोड़नी पड़ेगी, तो जरा सोचिए आप में से काफी लोग उस उम्र में होंगे अब कि जिनकी 38-39 साल की उम्र हो और आपसे कहा जाए कि भाई आपकी नौकरी कल से नहीं है, तो बड़ी एक अजब सी स्थिति होती है, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं। तो फिर हमने भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक कोर्ट केस बाद में किया, और उस समय का मेरा उत्साह था वो इस बात से था कि मैंने 2 बिल्कुल नई यूनिफॉर्म सिलवा के रखी। हमें सेना से तो निकलना पड़ा 2008 में, लेकिन 2 फ्रेश पेयर यूनिफॉर्म सिलवाई और
दिल्ली की हाई कोर्ट में एक केस दायर किया और थोड़े समय के बाद, 2 सालों की लड़ाई के बाद हमने वो केस जीता। मैंने दोबारा वो यूनिफॉर्म पहनी। फिर वही बात थी, नकारात्मक जब परिस्थितियां होती हैं तो उन्हें चुनौती देने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैंने दोबारा अपनी वर्दी प्राप्त की और फिर मैंने 8 साल नौकरी की और फिर मुझे लगा कि जीवन में मुझे ऐसा कुछ मिला है जो पहले प्रारब्ध में नहीं था, यानी कि प्रयोग वाली नौकरी से पेंशनेबल नौकरी तक का सफर, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो मुझे लगा इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बलिदान भी देना चाहिए। तो फिर मैंने अपने नौकरी बची थी मेरी 9 साल की, हम लोग 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जैसे कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट में 62 साल की उम्र है तो हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता। तो मैंने थी, चूंकि मैं प्रशासन से आती हूँ तो मुझे मालूम है कि आप प्रशासनिक तौर तरीके से ही किसी जगह को बदल सकते हैं। और मैंने इसीलिए सोचा कि अगर मैं राजनीति के तौर पर अगर मैं विदिशा जाऊं तो मैं शायद कुछ इफेक्टिवली काम कर सकूंगी, क्योंकि या तो कलेक्टर कुछ अच्छा कर सकता है या फिर राजनीतिक लोग। कठिन है, मेरे पास इसकी कोई आनुवांशिकता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पर मैं ये काम करूंगी और मैं इस मुहिम पर अभी लगी हुई हूँ। मैंने अपने हिस्से की गलतियां की हैं, लेकिन विदिशा के लिए जो मेरी भावना है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे पेंशन भी मिलती है, तो किसी पैसों की दरकार अब नहीं है, ईश्वर ने बहुत अच्छा रखा है। लेकिन विदिशा के लिए जरूर चाहती हूँ कि वो शहर वो देखे जो उसकी पुरानी प्राचीन एक स्थिति रही है, एक उसके उसका स्थान रहा है, वो वैसा बने। अब मेरी जो टॉक है, वो जो मुझे कहना था, वो तो मैंने अपनी तरफ से आपसे सब कह दिया। आप सभी जानते हैं इसका टेक अवे क्या है। टेक अवे वही है कि सबके पास अगर हम मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य होगा तो हम उसके प्रति समर्पण दिखा पाएंगे। दूसरी चीज, नए को अपनाने की पहल होनी चाहिए, यानी कि रिस्क लेना जरूरी है। जैसा रिस्क मैंने लिया एक परमानेंट नौकरी को छोड़कर और एक 5 साल वाली नौकरी को लेकर, और इसी लिए शायद आपसे आज बात कर पा रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि इंसान की संभावनाएं जो हैं, उसके अंदर असीमित संभावनाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है, बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, भाग्य और कर्म। भाग्य भाग्य हो सकता है कि ज्यादा बलशाली हो, लेकिन कर्म हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अगर हम लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाते तो भी प्रयास करना बहुत जरूरी है, और हमारा शायद जो भी उत्साह है वो उसी के कारण ज्यादा बना रहता है। अब आपके इंस्टीट्यूट पर दोबारा लौटती हूँ। मैंने देखा, मैं सर्ट के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपके यहाँ काफी सारे अच्छे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत कुछ है और बच्चे भी काफी आते हैं। पर मेरा यह कहना है कि अब जैसे कोविड का समय आया तो थोड़ा हम जो आपका आपके इंस्टीट्यूट में एक अच्छी चीज लिखी है रिसर्च, तो इस रिसर्च में अगर एक अडेप्टेबिलिटी बढ़ाएं, इंजीनियरिंग को थोड़े और ऐसे प्रयोगों से जोड़े कि हम जैसे पीपी किट बना सके या पीपी किट के बाद टेस्टिंग किट्स बना सके, उस तरह की हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, ये आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन, मैं उसकी बहुत माहिर नहीं हूँ। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आगे चल के वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड भी फैकल्टी खोले। तो ये एक समय है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, मैडम अब समय बहुत ही कम बचा है जी, मेरा तो खत्म हो चुका है। जी आपके लिए सर्टिफिकेट है ये जी,
SIRTS की पूरी टीम की तरफ से जी। और हम उम्मीद करेंगे कि फर्दर आप हमें फिर किसी इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे फिर ज्वाइन करें जी।